भी है था ना, सड़क पे ही पार्किंग हो रखी है भाई साहब सुबह सुबह। अब खुला 15 मिनट से खड़े थे कि हम जा रहे हैं विदेश वियतनाम। आज तक कभी हुआ नहीं है ऐसा कि ट्रिप शुरू हुई और सब चीज बिल्कुल स्मूथ चल रही हो। हमारी फ्लाइट है 1 बजे। कुछ फॉर्मेलिटीज है जो हमें पूरी करनी है, जैसे एक तो इमिग्रेशन वाले को देखना है, उससे बातचीत करनी है, और उससे बातचीत करने के बाद चेक इन वगैरह करना है, सब चीज करनी है। अभी बजे 10, तो हम 2 घंटे पहले तो पहुंच जाएंगे, तो टाइम है अपने पास। मैं देखना चाहता हूँ ये जो इमिग्रेशन वाले क्या बात करते हैं, क्या क्या पूछते हैं, जमीन जायदाद कितनी है। ये लड़की देखो कैसे खर्राटे मार के सो रही है। फॉर्चुनेटली अभी हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते पे मेरा कॉलेज आता है। मैं इतना एक्साइटेड था कि रात भर सो नहीं पाया। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम अपने कॉलेज की साइड से जा रहे हैं, इसकी तरह नहीं, ये थैला छाप डॉक्टर। तो कहानी ये है कि इसने डॉक्टर बनने की कोशिश करी थी, फिर इससे किसी ने बोला कि PCM दे दो, तो इसने फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स दे दी, जबकि वो बोल रहा था पैरासीटामोल दे दो। पर अभी मेरा कॉलेज आने वाला है, मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ घर घर खेली। पता मुझे क्या देख रहे हो, इधर देखो ना बाहर, इसी रास्ते पे सोता था मैं। ओहो, हमारी कॉलेज देखने की इच्छा ऐसे वक्त होगी। भैया लेफ्टिस्ट निकले, भैया ने लेफ्ट ले लिया है। आपका तो पता नहीं पर मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है, इमिग्रेशन वाले से ही हाथ मिला लूंगा। और हम जो इतना उत्सुक होके जा रहे हैं ना, श्वेता जी की जिम्मेदारी थी कि इनको चेक इन करना था, चेक इन नहीं किए हैं, सीट सिलेक्शन भी नहीं किया है हमने, और इंटरनेशनल फ्लाइट है, पता नहीं सीट कहाँ मिलेगी, पहिए पे बैठ के जाऊंगा मैं तो। पंखा नहीं लगता उसमें। लड़की भाग रही है लड़की भाग रही है, कहीं तो भाग रही है। तो मैं पूरा एक्साइटेड हूँ फिलहाल, मैं बता नहीं सकता कितना एक्साइटेड हूँ, मैं पहले ही बता दिया कि पूरा हूँ। मतलब 100% दिल्ली 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 गिटी 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 धनबाद 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 गिटी 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 सवारी नहीं मिल रही। अभी हम लोगों ने एंट्री कर ली है, और जैसा कि मुझे अंदेशा था कि कोई भी रिटर्न टिकट नहीं मांगेगा, तो अभी तक रिटर्न टिकट नहीं मांगा है। श्वेता बहुत ही ज्यादा पैरानॉइड हो रही थी कि रिटर्न टिकट मांगेगा, रिटर्न टिकट मांगेगा। दोस्तों हवाई अड्डा बहुत बड़ा है, और एक जगह से दूसरी जगह जाने में समय लगता है, और जब आपके साथ एक मिनियन हो जो 4 कदम में सिर्फ 1 ही कदम चल सकती है, मुझे मजा आ रहा है। I'm very excited. मैं देखना चाहता हूँ कैसा है विदेश। मेरे परिवार में आज तक कोई नहीं गया बाहर, मैं पहला आदमी हूँ जो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा एक रिडल है, हमारी फ्लाइट यहाँ से 12:55 पे उड़ेगी, और 5 घंटे बाद वो वियतनाम में 8 बजे पहुंचेगी, ये कैसे हो सकता है? 1 और 5 तो 6 हो गए ना। रिडल में जब तक हम देखते हैं चेक इन वेक इन, ये बहुत तेज चलने की कोशिश कर रही है, पर इसकी मैक्सिमम स्पीड 2 किलोमीटर पर आ रही है। इन्फॉर्मेशन डेस्क पे चल, तो हमेशा की तरह श्वेता ने ब्लंडर कर दिया, फ्लाइट हमारी एयर इंडिया से है और ये एयर एशिया समझ के चली, और अभी भी F जा रही है जब उसकी उसने D बोला है। ठीक है चल तू देखते हैं क्या बोलना चाहेगी तू। पढ़ा लिखा आदमी मेरे साथ घूम रहा है जिसने एयर इंडिया के बदले एयर एशिया बता दिया। मैं एयर एशिया के लिए इन्फॉर्मेशन डेस्क ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा। फिर मुझे इन्फॉर्मेशन डेस्क पे ही एक महिला ने चेक करके बताया मेरा ही टिकट की आपकी फ्लाइट एयर इंडिया है, एयर एशिया नहीं है। तो अभी हम लोग इमिग्रेशन में जा रहे हैं, वहाँ पे कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, एंड आई एम फॉलोइंग द लीड ऑफ श्वेता, जो बोल रही है मैं वही बात मान रहा। वी आर ट्राइंग, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइम। मनी एक्सचेंज यहाँ पे भी होता है? नहीं नहीं यहाँ से नहीं कराना, यहाँ पे 89 मिल रहा है जबकि रेट चल रहा है 84 INR to USD। इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी चेक इधर से चलते हैं ना, समझ में ही नहीं आ रहा। बाय द वे श्वेता ने मुझे डराया हुआ था कि चेक इन में ऐसा होगा वैसा होगा फलाना होगा ढिमका होगा, और टाइम लग सकता है 1 घंटा लग सकता है 1.5 घंटा लग सकता है, इसकी वजह से मुझे रात भर टेंशन थी। ठीक है यहाँ पे आए सब चीज इतनी स्मूथली होगी ना, मैं ऐसे बोल रहा था, मैं कह यार मेरी गट फीलिंग कह रही है कि कुछ नहीं होगा। इसने आगे की टिकट भी बुक कर ली, उस टिकट का भी एक सीन है, वो आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा, बट आई एम वेरी एक्साइटेड राइट नाउ। 4-5 कंगारू फिर रहे थे यहाँ पे, आई मीन ऑस्ट्रेलियन, और बाइक राइड करके आता लद्दाख। मैंने बोला अरे कुछ नया बताओ, मैं कर चुका हूँ। फिर मैंने बोला डू फॉलो क्रिकेट, कहते नहीं क्रिकेट नहीं फॉलो करता, बट उसके साथ थे वो फॉलो करते हैं क्रिकेट। फिर क्रिकेट के बारे में चर्चा हो गई, कहते कि मैंने बोला कि इस बार तो समर में खेल रहे हैं, मतलब आने वाले टाइम में इंडिया ऑस्ट्रेलिया की एक टेस्ट सीरीज होने वाली है। तो मैंने पूछा हु डू यू थिंक गोना विन, उसने बोला कि आई थिंक वी आर गोना फ्लॉक इट, मतलब हम लोग जीत जाएंगे। मैंने कहा ना ना ना, लास्ट टाइम आल्सो आई थॉट सेम, फ्रेंडली मेंटर हो गया, दैट्स ऑसम। ये होता है जब आप ट्रैवल करते हो ना, नए नए लोगों से मिलते मजा आता है। आई एम टू एक्साइटेड, आई डोंट नो, इसमें दसानी वाटर है, टू कार्ड, हम सब 100 रुपए का मिल रहा है, हो गया है डिस्पेंस, होगी इधर आ जल्दी। थैंक्स। तो दोस्तों अभी मैंने एक चीज़ देखी जो मैंने आज से पहले नहीं देखी थी, इंटरनेशनल फ्लाइट भी ऐसी ही दिखती है जैसी इंडियन फ्लाइट्स है, इसी पे बैठने जा रहा हूँ मैं, इजी लाइक एरोप्लेन, लेट्स गो। पता नहीं बीच में कौन लोग खड़े हो जाते हैं, क्या चल रहा है भाई? मेरा तो बस इंतजार चल रहा है खाने का, कुछ मीठा। एयरपोर्ट के बाहर ही है सिम कार्ड और करेंसी एक्सचेंज, देखो बहुत सारे, बट
ये नहीं समझ में आ रहा किससे ले। 8 या 12 डॉलर में मिल रहा है, 12 डॉलर में लिमिटेड मिल रहा है हर जगह। अभी हम लोगों ने 100 डॉलर एक्सचेंज कर रहे हैं, हमें मिले 2.4 मिलियन 24 लाख डाउन। अभी हम सिम का कुछ जुगाड़ कर रहे हैं, ये टैक्सी का जुगाड़ कर रही है, तो मैं सिम का पता करके आता हूँ। करेंसी एक्सचेंज करा लिया है, आप जा रहे हैं अपने स्टे पे और 100 डॉलर्स के मुझे मिले 2.46 मिलियन डॉन्ग। मैं एक दिन में मिलियनेयर बन गया। अभी चलते हैं और चल के आगे आपको खबर देते हैं कमरे की। अभी हम लोग ना टैक्सी का कुछ इंतजाम कर रहे हैं। टैक्सी के लिए यहाँ पे आप एयरपोर्ट से कराएंगे तो आपको महंगी पड़ेगी। हम लोग ग्रैब ऐप यूज कर रहे हैं जो कि थोड़ा सस्ता पड़ता है, क्योंकि हम लोगों ने रिसर्च कर लिया था इसके बारे में। और बाकी इंटरनेट का यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है, एक वीएटेल है, एक मोबी फोन है, तो हम लोगों ने मोबी फोन लिया क्योंकि सब लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। अंदर उसका प्राइस था 12 डॉलर और बाहर हमें वो 10 डॉलर में मिल गया, एक महीने के लिए हमने लिया। हालांकि हम 15-16 दिन रहने वाले हैं यहाँ पे, हो सकता है कि मैं महंगा पड़ा हो, बट हम बाहर जाते भी बहुत माथा पच्ची होती, कल तक हमें सिम ना मिलता तो इंटरनेट का इशू हो सकता था। मैं प्रमोद, देखो कितनी सीरियस है, जबकि हम वियतनाम पहुंच गए से पता भी नहीं। ये देखो वेज जेट प्लाजा, आपको क्या लग रहा है, झूठ बोल रहा हूँ? नहीं भाई साहब, यूट्यूब भैया, I'm from India. You are from Bali. ये ऐसा एयरपोर्ट है जैसा कोलकाता का था, मुझे ऐसी फील आ रही है। कूल, मैं फॉरनर बन गया, एंट्री नंबर बन गया, I'm so excited. एक मिडिल क्लास आदमी छोटे सपने नहीं देखता, बड़े सपने देखता है। बारिश आ रही है, अपनी जादुई शक्तियों का बेहतरीन उपयोग करते हुए श्वेता बिना सिम के इंटरनेट चलाते है। करी ली इसने ग्रैब ऐप बुक, कितने में हो रही है, कुछ प्राइस बताया उसने? बारिश हो रही है, मजे की बात ये कुछ भी इंग्लिश में नहीं है, सब चीज यहाँ पे वियतनामीज में है, जिसकी वजह से समझने में काफी मुश्किल हो रही है। हालांकि सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, उसके प्राइस लग रहे हैं 80,000 डोंग, यानी कि लगभग 300 रुपए पर सिगरेट का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। तो अभी रात के 11 बज रहे हैं और हम लोग खाना ढूंढ रहे हैं कुछ खाने के लिए। खाने का कुछ नहीं मिल रहा, पीने का मिला है यहाँ पे, तो मैं कह रहा हूँ पी लेते हैं पहले। दो घंटा हो गया है, किसी को ना तो इंग्लिश आती है और हिंदी तो भूल ही जाओ। चीन में नॉन वेजिटेरियन है, श्रिम्प है, बीफ है, पोर्क है, सब ये चीज़ें है, हमें वेज खाना ही नहीं मिल रहा है। हम मुझे लगता है भूखे रहेंगे आज। तो अभी हमें एक सुपर स्टोर में है, मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छी चीज़ मिल सकती है हमें, पर इतना मुश्किल क्यों है खाना ढूंढना? यकुल्ट मिल गई, यकुल्ट मुझे पता है वेजिटेरियन है, यकुल्ट का क्या करें? पेट साफ करते रहो, खाओ कुछ, इतना नहीं सोचा था हमने। चाइना का धन्यवाद कि हमें यहाँ पे ना चावल का बॉक्स मिल गया था, चावल और अजीब सब्जी थी उसमें, बट वो वेजिटेरियन था, हमने खा लिया। और एक चीज़ मुझे भी पता चली, अगर किसी पे ना बो लिखा हुआ है, ऐसे बो लिखा हुआ है, मतलब बीफ, तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं आप बीफ नहीं खाते हैं, चिकन टू दैट। तो कहने की बात ये है कि बहुत ज़्यादा चलने फिरने घूमने के बाद हमने पहला डिनर कर लिया है वियतनाम में, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फाइनली मेरा सपना पूरा हो जाएगा वजन कम करने का। आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, कल बहुत कुछ है करने को। अभी लगभग इंडिया में 10 बज रहे होंगे, यहाँ पे 12 बज रहे हैं, मिलते हैं कल अगली वीडियो में, बाय।